-80 +80 इज इक्वल टू जीरो। यू नो जब भी हम टू अपोजिट साइंस को ऐड करते हैं तो आंसर जीरो ही आता है। 1 -1 इज जीरो। यू नो 1 -1 इज जीरो। ओके एंड 1 -1 इज जीरो। एंड इफ आई से 1 +-1 तब भी तो आंसर जीरो ही आएगा। ऑल राइट, सो आई एम एडिंग टू अपोजिट साइंस। तो सिमिलरली आपके डी पार्ट में क्या साइन आएगा? -80 प्लस व्हाट इज इक्वल टू जीरो? प्लीज टेल मी निष्ठा, निष्ठा चौहान। यस यस बेटा, आई कांट हियर यू। +80, या व्हेन साइंस आर अपोजिट एंड दे आर एडिड टू इच अदर, इट आंसर इज ऑलवेज जीरो। या वेरी गुड, प्लीज सिट डाउन। बेटा दीज ब्लैंक्स आर वेरी वेरी सिंपल, यू कैन डू इट होम। ये 6th क्लास में भी आपने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है? प्लीज ट्राई एट होम, नेक्स्ट टाइम कोई प्रॉब्लम होगी यू कैन आस्क मी। फाइन, प्लीज ट्राई एट होम। ये केस स्टडी और असर्शन वाले जो क्वेश्चंस हैं, दीज विल डू नेक्स्ट टाइम, ठीक है? लेट मी टेल यू, ये जो इंटीजर्स आप चैप्टर पढ़ रहे हो, वेयर डू वी यूज इट? रियल लाइफ में कहाँ इसको यूज करते हो आप? सी व्हेन विंटर्स में जो टेम्परेचर होता है श्रीनगर में, यहाँ जहाँ पे माउंटेन्स हैं, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि वो -2 डिग्री -3 डिग्री -15 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है ले वगैरह में। डू यू नो? यस रेज योर हैंड, एवरीबडी नोज। सो टेम्परेचर व्हेन इट इज कोल्ड तो टेम्परेचर गोज वेरी वेरी डाउन, डाउन मीन्स बिलो जीरो, नेगेटिव में आ जाता है। एंड व्हेन इट इज हॉट इट बिकम्स 42 डिग्री, 40 डिग्री, राजस्थान वगैरह में और भी हाई टेम्परेचर चला जाता है, यू मस्ट हैव हर्ड। तो वो जब हॉट है तो पॉजिटिव टेम्परेचर यूज होता है, जब कोल्ड है तो नेगेटिव टेम्परेचर यूज होता है। सो आर दिस इंटीजर्स आर यूजफुल और नॉट? फाइन, एंड सिमिलरली हियर कैन यू सी डाउन स्टेयर, ही इज कमिंग डाउन स्टेयर, ही इज गोइंग अप स्टेयर्स। वेन एनीथिंग इज गोइंग अप वी यूज पॉजिटिव साइन, वेन द सेम चीज थिंग इज कमिंग डाउन वी यूज नेगेटिव साइन। ओके, ही क्लाइंब हियर 6 स्टेप्स इट मीन्स +6, एंड वेन ही केम डाउन 6 स्टेप्स इट इज -6। ओके, इन मैथमेटिक्स यू विल यूज सच काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो इन नेक्स्ट क्लास, सो दिस इज अ वे टू यूज। एंड ऑल्सो इन केस ऑफ यू नो वेन इट वॉज कोविड 2 ईयर्स बैक, 1 ईयर बैक, यू सॉ कि वो कोविड टेस्ट जब करते थे तो वो किट होती थी उसमें आता था कि नेगेटिव है, इट इज नेगेटिव मीन्स नो कोविड। फाइन, एंड व्हेन इट इज पॉजिटिव देन इट इज यस यू नीड प्रिकॉशंस, इज इट और नॉट? सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज यूज इन रियल लाइफ इन ग्रेट वे, अदरवाइज बी एट होम व्हेन यू विल सी कि नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ यूज होता है, प्लीज ऑब्जर्व। टेम्परेचर को आप एसी के टेम्परेचर को अप डाउन करते हो घर पे, इज इट और नॉट? ठीक है, व्हेन इट इज इंक्रीजिंग यू आर यूजिंग पॉजिटिव साइन, व्हेन यू आर डिक्रीजिंग देन इट इज नेगेटिव साइन। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? सो विल मीट नेक्स्ट टाइम, हैव अ गुड डे एंड थैंक्स ऑल द टीचर्स फॉर कॉपरेशन। एंड प्लीज ट्राई दिस फिलिंग द ब्लैंक्स बेटा, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन दिस केस स्टडी एंड असर्शन, these are also again beautiful questions we will do next time. Okay bachche, good day, have a great day, thank you everyone. Good or not? Yes, okay students, hai na? Fir how was the maths, how many of you enjoyed, raise your hands. Very good, you enjoyed the class, you learned something new. How many of you learned something new? नया किसको पता चला? नया कुछ नहीं पता चला, पुराना ही था सब कुछ। रेपिटिशन हुई, समझ में प्रॉपर आ गया? यस और नो? यस, वेरी गुड। इंटीजर्स में कोई गलती तो नहीं होगी? नो, है ना? अब फिर लगा होगा कि अब एक मैथ्स वाली मैम गई और फिर अब आ गई दूसरी मैम आ गई, है ना? बट यू नो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग क्लास, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, लिखना नहीं हमने। एक बेटा एक
हमारे चैनल का नाम नोट करो, के एडुकॉन ई लर्निंग। आई विल राइट डाउन के एडुकॉन ई लर्निंग। ये लेक्चर विल बी रिकॉर्डेड एंड इट विल बी अपलोडेड, राइट। हमने ज्यादा लिखना नहीं है, कुछ डाउट हो, कई बार हम माइंड में लर्न कि मैम ने क्या बताया था, तो खोलो चैनल और वहां पे देख लो, आपकी क्लास का रिकॉर्डेड होगा। ओके, आई विल टेल यू इन द लास्ट, राइट। सो अब बेटा हम एक स्टोरी जो है ना, मैंने एक सुनी थी किसी से स्टोरी, तो मैंने वो लिखी। सो देयर वर, है ना, एक टाइम पे थ्री किंगडम्स, बड़े बड़े राज्य जो हम धीरे हिंदी में कहते हैं, देयर वर थ्री किंगडम्स, राइट। कौन से किंगडम्स थे बेटा? किंगडम ऑफ प्लांट्स, किंगडम ऑफ एनिमल्स मींस ह्यूमंस, एंड किंगडम ऑफ बर्ड्स। ओनली थ्री टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिव्ड एट दैट टाइम। इट वॉज द स्टोरी विच वॉज टोल्ड टू मी बाय माई ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एंड आई एम टेलिंग यू, राइट। सो किंगडम प्लांट्स, राज्य था प्लांट्स का, एक राज्य था, एक ह्यूमंस का राज्य था और एक बर्ड्स का राज्य था, राइट। प्लांट्स वर इंडिपेंडेंट, दे वर नॉट इम्पोर्टिंग एनीथिंग फ्रॉम बर्ड्स और फ्रॉम ह्यूमंस, बट दे आर मैक्सिमम एक्सपोर्टिंग, लाइक चाइना, है ना। तो वो बस एक्सपोर्ट करते थे बहुत सारी चीजें टू बर्ड्स एंड ह्यूमन। बर्ड्स एंड ह्यूमंस यूज टू विजिट, यू नो, ड्यूरिंग देयर हॉलीडेज टाइम दे यूज टू विजिट किंगडम प्लांट, है ना। इट वॉज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑल्सो, ब्यूटिफुल टूरिस्ट डेस्टिनेशन। बट ह्यूमंस, यू नो, दे आर सेल्फिश। दे फाउंड दैट किंगडम प्लांट्स आर सो सूदिंग, इट इज सो काम, सो ब्यूटिफुल, लेट अस सेटल हेयर। सो वट दे डेड, इधर बेटा इधर, दे स्टार्टेड कटिंग प्लांट्स। दे मेड अ लैंड फॉर देमसेल्व्स बाय क्लियरिंग ऑफ प्लांट्स। दे मेड देयर हट्स, दे मेड देयर बिल्डिंग्स हियर। दे वर वेरी हैप्पी, बट आफ्टर सम टाइम व्हाट दे ऑब्जर्व्ड, दैट देयर किंगडम, किंगडम ऑफ ह्यूमंस, इट इज स्टार्टिंग डिटीरियोरेटेड। एयर पोल्यूशन, इट अराइव बिकॉज देयर वर लेस प्लांट्स नाउ। देयर वॉज लेस फूड, ड्यू टू विच द पीपल दे स्टार्टेड डाइंग ऑफ स्टार्वेशन, भूख से मरने, क्योंकि उन्होंने प्लांट्स के किंगडम को बहुत ज्यादा क्लियर कर दिया, तो थोड़े से प्लांट्स रह गए, तो उनको क्या हुआ, खाना नहीं मिला, तो वो मरने शुरू हो गए। एंड सम एल्डरली पीपल अमंग ह्यूमन, दे गाइडेड देम दैट डोंट डिस्टर्ब अदर किंगडम्स, बी सेटिस्फाइड विद योर ओन किंगडम, यू विल गेट एवरीथिंग, राइट। हाउ प्लांट्स आर इंपॉर्टेंट टू अस, दैट एल्डरली पीपल दे, यू नो, टोल्ड द अदर ह्यूमन, राइट। देन ह्यूमन्स दे रियलाइज्ड देयर मिस्टेक एंड दे वेंट टू देयर ओन किंगडम, इज इट ओके। सो व्हाट हैपेंड, दैट द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज दैट द प्लांट्स आर द ऑर्गेनिजम्स ऑन विच ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट। ह्यूमंस आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, बर्ड्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, बट इन जनरल प्लांट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ बर्ड्स एंड ह्यूमंस, ऑल्दो फॉर पॉलिनेशन दे रिक्वायर, दैट वी विल डू लेटर ऑन, बट समहाउ दे आर इंडिपेंडेंट। सो कैन यू टेल मी, राइट, देर इज, हैव यू गॉट द असाइनमेंट? असाइनमेंट है आपके पास? पहली पहला निकालो बेटा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, किंगडम प्लांटी सर्वाइव विदाउट इंपोर्टिंग एनीथिंग बिकॉज, यस, जल्दी से मैम किसी को माइक दो। मैम मुझे इनकी आवाज नहीं आ रही है, शायद आपका ऑफ है कि क्या है, माइक से आवाज नहीं आ रही। थोड़ा सा सर जूम आउट कीजिए, और मुझे माइक से आवाज नहीं आ रही। मैम बिकॉज दे मेड देयर फूड देमसेल्व्स यस, बिकॉज दे मेक देयर फूड देमसेल्व्स बाय यूजिंग मटेरियल्स फ्रॉम द नेचर, राइट। हम भी अपने किचन में खाना खुद बना लेते हैं, वो तो कुछ नहीं है, बट रॉ मटेरियल हम कहाँ से लेते हैं? प्लांट्स में से लेते हैं, वेयर एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से लेते हैं। वेयर एज द प्लांट्स दे टेक रॉ मटेरियल फ्रॉम द नेचर, है ना।
फ्रॉम द एनवायरमेंट। ठीक है, ध्यान से इधर देखो, फर्स्ट बेंच बेटा इधर ध्यान से, स्क्रीन पे ध्यान एकदम सीधा, ठीक है, और कहीं नहीं लिखना, कुछ नहीं, सब कुछ रिकॉर्डेड है, माइंड में लिखना है। हमारी श्रवण शक्ति, सुनने की शक्ति, कनेक्टेड विद ब्रेन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी लार्ज। ठीक है, इसलिए सुनने से हमारे को बहुत चीजें याद हो जाती है, और नहीं तो मैंने चैनल बताया, वहां पे जाना और देख लेना। ठीक है, तो इसलिए सुनो। तो प्लांट्स जो है वो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से रॉ मटेरियल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, देन वाटर, देन मिनरल्स, इनको लेके अपना खाना बना लेते हैं। वेयर एज वी कैन नॉट, वी टेक द फूड फ्रॉम द प्लांट्स, एनिमल्स, एंड देन कुक इट। हम अपना खाना खुद नहीं, मतलब एज सच नहीं बनाते, हम कुक करते हैं खाना, किसी से लेके हम उसको कुक करते हैं। एम आई राइट? यस और नो? रेज योर हैंड्स। यस, वेरी गुड, गुड डॉग। ठीक है जी, बट अनदर थिंग, कि ग्रासेस, प्लांट्स आर ईटन बाय डियर और हर्बीवोरस एनिमल्स, वेयर एज द कार्निवोरस एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर्स एटसेट्रा, दे आर डिपेंडेंट ऑन दीज एनिमल्स। सो कैन वी से दैट दीज कार्निवोरस एनिमल्स कैन लिव विदाउट प्लांट्स? यस, देयर इज रिदम, डेहलिया रिदम। मैम रिदम को माइक देना जरा। रिदम, क्वेश्चन नंबर टू बेटा। दे ऑल्सो डिपेंड ऑन प्लांट्स लाइक इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स। नहीं बेटा, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स छोड़ो, मैंने बट क्वेश्चन, टेक योर असाइनमेंट, टेक योर असाइनमेंट, रीड द सेकंड क्वेश्चन। कार्निवोरस एनिमल्स, सुनो इधर ध्यान से देखो, Lions, tigers, leopards, etc., which eat other animals, are also dependent on plants as हाँ, हाउ दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। दिस सी हियर, दिस लायन इज डिपेंडेंट ऑन डियर, राइट? इज इट डिपेंडेंट ऑन प्लांट, यस और नो? यस रिदम, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? जो शेर है उसने गाय को खाया, उसने हिरन को खाया, ठीक है, बट क्या वो इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट है? कैसे है, बोलो जरा, माइक ऊपर करो। किसी और को दो मैम, किसी का हाथ खड़ा। हाँ बोलो। The carnivorous animals eat the herbivorous animals, and the herbivorous animals have already ate the like plants such as grass. हाँ, तो हम थोड़ा सा, इफ वी से, बिल्कुल ठीक, थोड़ा सा। हाँ जी मैम, इधर आगे हाथ खड़ा है, उनको देना जरा। यस, एनी स्टूडेंट? And the animals they eat, sorry, carnivorous animals such as lions, tigers, leopards, etc., which eat other animals, are also dependent on plants. As the animals they eat are dependent on plants for their food. Moreover, they are also dependent on the plants for oxygen. यस, थोड़ा सा बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। मैं, व्हाट आई एम सेइंग, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे ब्रीफ में, हमने इधर उधर नहीं जाना। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बिकॉज व्हाट वी से दैट कार्निवोरस एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन हर्बीवोरस एनिमल्स विच ईट प्लांट्स, इफ देयर आर नो प्लांट्स, अगर प्लांट्स नहीं होंगे, देन हर्बीवोरस एनिमल्स विल डाई ड्यू टू स्टारवेशन, एंड इफ देयर आर नो हर्बीवोरस एनिमल्स, देयर विल बी नो फूड फॉर कार्निवोरस एनिमल्स। तो हम यहाँ पे सिंपल आंसर लिखेंगे कि इफ देयर आर
सुनना ध्यान से, इफ देयर आर नो प्लांट्स देन हर्बीवोरस एनिमल्स विल डाई, एंड इफ देयर इज नो हर्बीवोरस एनिमल्स देयर विल बी नो फूड फॉर द कार्निवोरस एनिमल. इज इट क्लियर एवरीबडी? रेज योर हैंड्स, पुट डाउन पुट डाउन. जिसको नहीं क्लियर है वो मुझे बताए. एनीबडी नॉट क्लियर? चलिए सीधा देखो, सीधा देखो बेटा, इधर सुनो. व्हाट अकर्स इन फोटोसिंथेसिस, व्हाट डू यू मीन बाय फोटो? फोटो का मतलब है लाइट. सिंथेसिस मीन्स टू मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस. इट मीन्स, हमने ये नहीं कहा फोटोसिंथेसिस में कि सिंथेसिस ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सिंथेसिस ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. मेन हमने फोटोसिंथेसिस क्यों लिखा, कार्बोसिंथेसिस क्यों नहीं कह दिया, हाइड्रोसिंथेसिस क्यों नहीं कह दिया? बिकॉज लाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. है तो सभी इंपॉर्टेंट, बट लाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. फूड क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ फूड फॉर यू? यस अंजलि, स्नोड्रॉप. अंजलि अंजलि, फूड हमें क्या देता है बेटा? हम फूड गिव अस एनर्जी. बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड. फूड गिव अस एनर्जी, वेरी गुड. ये एनर्जी, इसका मतलब है अंजलि प्लांट्स को भी फूड एनर्जी ही देता है. प्लांट्स आल्सो गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड, यस और नो अंजलि? यस. ठीक है बेटा बैठो. और उस फूड में, यस देयर इज वन मोर स्टूडेंट, दैट इज महक. यस महक, लेवेंडर. यस मैम. बेटा प्लांट्स में, एज अंजलि टोल्ड मी दैट प्लांट्स ऑल्सो गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, बट वेयर दिस एनर्जी इन द फूड कम्स फ्रॉम? इस फूड में एनर्जी कहाँ से आई? हाँ सोचो थोड़ा सा. प्लांट्स ने अपना, हमने तो प्लांट्स में से ले लिया फूड, चलो तो अल्टीमेटली एनर्जी किसमें है? फूड में है. प्लांट्स ने जो फूड है उसमें एनर्जी कहाँ से आई? सोचो जरा. हाँ जोर. सन सन. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा बैठो. सो द एनर्जी इन द फूड कम्स फ्रॉम सन. सोना नहीं सोना नहीं, बिल्कुल एकदम बी एक्टिव. सो एनर्जी इन द फूड कम्स फ्रॉम द सन. इट मीन्स सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. सन में तो बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं जिससे एनर्जी जनरेट हो रही है, और वो सन कुछ एनर्जी प्लांट्स में देता है. प्लांट्स उस एनर्जी से फूड बनाते हैं. वो एनर्जी किस में स्टोर हो गई? फूड में स्टोर हो गई, और फिर आगे वो डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट हुई. तो हम क्या कहते हैं कि इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू फूड एनर्जी, है ना? हम ये नहीं कहते कि सोलर एनर्जी वेस्ट हो गई. नहीं, सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? फूड में कन्वर्ट हो गई, राइट? सो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड दिस इज, ये नया है आपके लिए बट ध्यान से देखना है, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. बेटा जिंदगी में भी ये सब लॉज काम आते हैं. अगर हम किसी का अच्छा करेंगे तो वो किसी फॉर्म में हमारे साथ अच्छा होगा. इट विल बी कन्वर्टेड बैक, राइट? इट इज कन्वर्टेड. वन गुड वर्क इज कन्वर्टेड इनटू अनदर गुड वर्क. इज इट ओके? वन बैड वर्ड इज कन्वर्टेड इनटू अनदर बैड थिंग. तो अच्छाई हमेशा एक अच्छाई में कन्वर्ट होती है. एनर्जी कभी भी वेस्ट नहीं जाती, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, एंड दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. क्या है जल्दी से जोर से बोलो, माइक से आवाज आ जाएगी. माइक मैम ऑन रखना. यस एवरीबॉडी, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ, एवरीबॉडी, थर्मोडायनेमिक्स.
थर्मोडायनामिक्स, वेरी गुड, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दैट ध्यान से सुनना है, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। हम ना तो एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं नेचर में भी, बट इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर, राइट? तो ये याद रखना है, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये तो जो है साइंटिस्ट ने बताया एनर्जी के बारे में, अदरवाइज हमारी लाइफ में भी यही होता है। कोई भी, मैंने आपको बताया, कोई एक अच्छा काम किसी दूसरा अच्छे काम में कन्वर्ट होता है, एक बुरा काम किसी बुराई की तरफ में ही कन्वर्ट होता है, राइट? तो ये तो हमारे, मतलब हम अगर हमारे हिंद, जो हमारा इंडियन कल्चर है वो यही कहता है, राइट? सो ये क्वेश्चन आ जाइए जी बेटा आप, यस, नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ ए पार्ट। नैतिक कुमार आंसर देगा बेटा, नैतिक क्रोकस में, नैतिक इज देयर, नो नैतिक इज नॉट देयर, देन ऋषित, यस ऋषित को मैम माइक देना जरा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ ए पार्ट, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, हां जी बेटा क्या आंसर आएगा बेटा? इसकी बी ऑप्शन थोड़ी सी ठीक कर लेना, बी ऑप्शन है सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, तो यहाँ पे ए ऑप्शन है सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, बी ऑप्शन है सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, सी ऑप्शन है सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और डी ऑप्शन है केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। हाँ जी नैतिक, माइक लेके जाओ मुंह के पास और फिर बताओ आंसर। फोटोसिंथेसिस क्या है बेटा? फूड भी एक टाइप का केमिकल है, ये याद रखना है आपको। अब बताओ मैम, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। वेरी गुड नैतिक, क्या बताओगे बेटा, क्यों नहीं है ना? तो सोलर एनर्जी, वेरी गुड, क्या नाम है बेटा आपका? तन्वी, तन्वी वेरी गुड बेटा, बैठो। सो इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, अगर असाइनमेंट है तो साथ ही लिख भी लो कि फूड इज ए टाइप ऑफ केमिकल, है ना? आपने सिक्स में पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स, ये सब क्या है? केमिकल्स ही है, राइट? देन इसी में ही नेक्स्ट आ जाता है बेटा, इशिता क्रोकस। इशिता, हां जी बेटा, मैम इसको माइक दो प्लीज। इसी का बी पार्ट बेटा, बोलो क्वेश्चन। If light energy is not exhausted in photosynthesis, then where this energy is stored? हम कहते हैं कि लाइट एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, तो वो एनर्जी कहाँ पे स्टोर हुई है बताओ जी? ऑप्शन ए, इट इज स्टोर्ड इन बॉन्ड्स ऑफ ग्लूकोज, इट इज स्टोर्ड एज हीट एनर्जी इन प्लांट्स, इट गेट्स कंज्यूम्ड इन ब्रेकिंग बॉन्ड्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, नन ऑफ द अबव। कहाँ पे? देखो अब मेरी बात सुनो बेटा, कि जो मतलब प्लांट्स क्या बनाता है फोटोसिंथेसिस में, ग्लूकोज बनाता है, पता है ना आपको? ठीक है, अब बताओ कि ये एनर्जी कहाँ पे स्टोर हुई? स्टोर्ड इन बॉन्ड्स ऑफ ग्लूकोज। वेरी गुड बेटा, बैठो, वेरी गुड, सिट डाउन। सो एनर्जी कहाँ गई? हम क्या कहते हैं बेटा? बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं। तो कि क्या है कि भाई जो फोटोसिंथेसिस है, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू फूड एनर्जी,
फूड क्या बना? ग्लूकोज बना। बातें नहीं बेटा, ना 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 ना, ना बातें नहीं। मुझे हर बच्चा बड़ा जो है ना वो क्लियर नजर आता है, जरा सी गर्दन घुमाता है ना तो उससे क्या होता है, मेरी कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होती है, राइट? सो इन फोटोसिंथेसिस द सनलाइट, द सोलर एनर्जी, इट इज स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स ऑफ ग्लूकोज। क्या है बच्चे, ये ध्यान देना है, ग्लूकोज ये याद रखो एवरीबडी, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। कार्बन 6 है, 6 अंक का नंबर, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है, ठीक है? इस तरह से इन सब ने अपने हाथ एक दूसरे से पकड़े हुए हैं, बॉन्ड्स बने हुए हैं इन सब में, तो इन बॉन्ड्स में ये एनर्जी स्टोर्ड है। इज इट ओके? ठीक है जी, चलिए अब हमने क्या कहा कि सन जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, सनलाइट, ठीक है? तो सनलाइट बेटा बहुत सारी लाइट से बनी हुई है, सिर्फ एक लाइट सनलाइट जो हम देखते हैं वो नहीं, इसमें बहुत सारी रेज है। कौन कौन सी रेज है, यहाँ पे शायद आपको थोड़ा सा क्लैरिटी कम होगी बट मैं आपको बता देती हूँ। सो दिस इज गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, ये आ जाती है विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स एंड ऑल दैट। बहुत सारी जो सन है उसमें जो किरणें आ रही है, दैट रेज हैव मेनी, आर ऑफ मेनी टाइप्स, यूवी रेज, रेडियो वेव्स, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, दैट आर द रेज। बट बिकॉज सन रेज हैव टू पास थ्रू स्पेस, है ना? सन है, फिर बहुत सारी स्पेस है, फिर जाके अर्थ आती है तीसरे प्लेनेट पे, ठीक है? तो उस स्पेस में बहुत सारी रेडिएशंस वहीं रह जाती है, ओनली विजिबल रेडिएशंस, यू नो, ये सन है, ये अर्थ है, यहां से बहुत सारी रेडिएशंस बाहर आई, बट ओनली दिस वाली रेडिएशन जिसको हम कहते हैं विजिबल रेडिएशंस, ये अर्थ में पहुंची, राइट? सो सन में बहुत टाइप की रेडिएशंस हैं, बट ओनली, यस, एवरीबडी स्पीक्स आउट, कौन सी? मैम जरा माइक ऑन करना ताकि इनकी आवाज मेरे तक पहुंचे, ठीक है? कौन सी रेडिएशन अर्थ पे पहुंच रही है? ओनली विजिबल रेडिएशन, राइट? सो ओनली विजिबल रेडिएशन रीचेस द अर्थ। बट हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द, यू नो, रेनबो किसने देखा है? सबने देखा रेनबो? यस। कितनी उसमें कितने कलर्स होते हैं मैम, जिसके पास, जो भी पास में है उसको माइक दो, कितने कलर्स होते हैं रेनबो में? एनी स्टूडेंट, किसी को माइक दो मैम, मुझे आवाज नहीं आ रही है। ऑल्दो आवाज तो नहीं आई बट मुझे पता चल गया, 7 कलर्स होते हैं, देयर आर 7 कलर्स। ऐसे कैसे कि जो बेटा सनलाइट है इसको हम व्हाइट लाइट कहते हैं, जब बारिश होती है रेन के ड्रॉप्स में वो व्हाइट लाइट पास करती है तो वो स्प्लिट कर जाती है। लेट अस सी, ये एक प्रिज्म है, आप इसको ये सोच रहे हो एक रेन ड्रॉप है, इसमें से व्हाइट लाइट पास की तो वो 7 कलर्स में टूट गई, दैट इज विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, सॉरी पीछे पीछे करना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, राइट? दीज आर 7 लाइट। सनलाइट आती है और उसमें 7 कलर्स होते हैं। आप बेटा मिक्सिंग ऑफ कलर्स करते हो ड्राइंग में, करते हो, यस और नो, है ना? मिक्सिंग ऑफ कलर्स करते हो आप, देखना अभी कभी ना ये 7 कलर्स को मिक्स करना इक्वल इक्वल अमाउंट में, तो आप देखोगे कि व्हाइट कलर जो है वो बन जाता है, राइट? तो व्हाइट कलर, व्हाइट इज नॉट ए कलर बट इट इज फॉर्म्ड ऑफ 7 कलर्स, ओके? तो किसी भी चीज पर जो ये लाइट सनलाइट पड़ती है उस पे 7 कलर्स पड़ रहे हैं, सिर्फ एक कलर नहीं, 7 कलर पड़ते हैं, राइट? 7 लाइट्स आर, यू नो, देखो। बट होता क्या है, आपने 6th में पढ़ा कि जब भी लाइट किसी चीज पे पड़ती है कुछ लाइट बाउंस बैक करती है, यस और नो?
लाइट विच बाउंसेस बैक, व्हाट इज दैट? क्या बोलते हैं उसको? रेज योर हैंड मैम, आपके पीछे देखो, लास्ट में एक स्टूडेंट के पास है, सबसे लास्ट में आपके पीछे ही है एक बच्चा, यस, जिसको आप पता है। हाँ, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम बेटा, क्या नाम है आपका? मैम क्या जोर से? अर्श, अर्श। वेरी गुड अर्श, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, बैठो बेटा। सो लाइट व्हेन फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, सम ऑफ द लाइट इट इज एब्जॉर्ब, इट इज टेकन इन, एंड सम बाउंसेस बैक, वो बाहर आ जाती है, राइट? तो लेट्स सी, किसी लीफ पर लाइट पड़ी, उसमें से कुछ बाउंस बैक कर गई, और जो बाउंस बैक की वो हमारी आंखों तक पहुंची, एंड वी सी द कलर, राइट? कैन यू सी माई दिस रेड कलर? यस और नो, हाथ खड़ा करो, क्या रेड कलर मेरे सूट में नजर आ रहा है? यस, वेरी गुड, बैठो। पर तो इस पे व्हाइट लाइट रही है, बट रेड कलर इज रिफ्लेक्टेड, ये ऐसा है कि इसमें से रेड कलर रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, ये पर्पल कलर या ये ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। सो द कलर, द लाइट विच बाउंसेस बैक, विच इज रिफ्लेक्टेड बैक, इज सीन बाय अस, वो हम देखते हैं। और जो लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ इस क्लॉथ में एब्जॉर्ब हो रही होगी लाइट, ये अब फोटोसिंथेसिस तो नहीं करेगा, बट इट प्रोड्यूसेस हीट बाय दैट लाइट, राइट? बट इन प्लांट्स, वी विल स्टिक टू द प्लांट, व्हाइट लाइट इट फॉल्स ऑन द लीव्स, राइट? ग्रीन लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक, दैट्स वाई द लीव्स दे अपियर ग्रीन इन कलर, वेयर एज अदर रेज दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय द लीव्स, राइट? जो एब्जॉर्ब हो रही है, उसमें से सम यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस एंड सम प्रोड्यूस हीट। ठीक है, तो वन आस्क द क्वेश्चन, व्हाई द लीव्स अपियर ग्रीन? यस, हाँ जी, अब हमारे पास आ जाता है बेटा भव्य, स्नो ड्रॉप, भव्य इज देयर, स्नो ड्रॉप में भव्य, हाँ जी भव्य बेटा, द लाइट विच रीचेस अर्थ इज, व्हाइट लाइट है, सेवन कलर्स, ए अगेन बेटा, अपने असाइनमेंट उठाओ, इसमें क्वेश्चन है बेटा, द लाइट विच रीचेस अर्थ इज कौन सी है? कंप्लीट सनलाइट, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज की यूवी रेज? हाँ जी बेटा, सोच के बताओ कि जो लाइट पड़ रही है अर्थ पे वो कौन सी है? सन में तो डिफरेंट लाइट्स है, कोई सा आंसर दो बेटा जो आपके दिमाग में आ रहा है। ए पार्ट, ए पार्ट है कंप्लीट सनलाइट, बैठो बेटा बैठो, देखो जरा, सुनना, श्रुति, स्नो ड्रॉप, हाँ जी श्रुति, जोर से, हाँ वायलेट यूवी रेडिएशंस अर्थ पे पड़ रही है, बैठो अभी हम देखें कि कोई और है। यस यू टेल, जो आपके साथ है। हाँ, इट इज बी, विजिबल रेडिएशंस। वेरी गुड बेटा, दोनों देखो, जिसने मुझे सनलाइट बताया
तो मैंने क्या बताया था अभी पीछे बेटा, कि ये वाली सारी रेडिएशंस है, ठीक है, ये विजिबल रेडिएशंस है, और ये यहां पे मैंने आपको बताया था कि सन में डिफरेंट टाइप की रेडिएशंस है, बट ओनली विजिबल रेडिएशंस, ये सन है। अगेन मैं बता रही हूं, यहां सन में ये अल्ट्रावायलेट है, ये इंफ्रारेड है, ठीक है, ये विजिबल है, ये एक्स रेज है, ये गामा रेज एंड ऑल दैट, ये अर्थ है, ये सारी स्पेस है, खाली जगह है, यहाँ पे सारी रेडिएशंस आ रही है, बट ओनली विजिबल रेडिएशंस रीचेस द अर्थ। ओके, सिर्फ विजिबल रेडिएशंस अर्थ पे पहुंच रही है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए बेटा, युग। हाँ जी, लेवेंडर में युग है। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीव्स अपीयर ग्रीन एज दे हैव, जल्दी से, लीव हमें यहाँ पे लीव्स ग्रीन क्यों है बेटा, वो क्या कर रहे हैं? यस, मैं अब तुम्हें ऑप्शन दे देती हूँ, दे अब्सॉर्ब ग्रीन लाइट, दे रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट। क्या मैम मैम डार्क डार्क आएगा, दे रिफ्लेक्ट की एब्जॉर्ब? मैंने दो ऑप्शंस बताई है आपको बेटा, हाँ, क्या आएगा, दे रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट की दे एब्जॉर्ब ग्रीन लाइट? मैम दे रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट। दे रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो दे रिफ्लेक्ट लीव्स ग्रीन क्यों है, क्योंकि वो ग्रीन लाइट को बाउंस बैक कर देते हैं, रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट, ठीक है जी। लेवेंडर के बाद आ जाता है बेटा, फटाफट से मैं 1 मिनट में और पूछ लेती हूँ, डेलिया से, डेलिया से आ जाता है बच्चे रमलीन कौर। रमलीन बेटा, यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि रेड एंड ब्लू लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस है, क्योंकि जो क्लोरोफिल है वो रेड एंड ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करती है कि रिफ्लेक्ट करती है बेटा? यहाँ पे आपको ऑप्शन ए है, फिल इन द ब्लैंक अगर हम कहें तो, ऑप्शन ए है रिफ्लेक्ट और ऑप्शन बी है एब्जॉर्ब, इन दो में से ही आपने बताना है। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस इज बाय रेड एंड ब्लू लाइट एज द क्लोरोफिल एब्जॉर्ब, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, दे एब्जॉर्ब रेड एंड ग्रीन लाइट, वेरी गुड। अच्छा जी, अब आपको ये पता है कि एक फोटोसिंथेसिस, 1 मिनट रह गया, लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे, कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सनलाइट में क्या बनाते हैं, ग्लूकोस एंड ऑक्सीजन। जितनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी उतना ज्यादा ग्लूकोस बनेगा और उतना ज्यादा ऑक्सीजन होगा, यस और नो? ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, इसी का ही डी ऑप्शन, देखो जरा फिर हम देखते हैं। ये वाला कि यहाँ पे सनलाइट, सनलाइट में इतने ऑक्सीजन बबल्स निकल रहे हैं, रेड में इतने ऑक्सीजन बबल्स है, ब्लू में इतने हैं, ग्रीन में इतने ऑक्सीजन बबल्स है, राइट? तो नाउ टेल मी, यस, हाँ जी, क्रोकस में बेटा रुद्रांश, बस जल्दी से मैम, बस मैं खत्म कर रही हूँ रुद्रांश से क्वेश्चन पूछ के। हाँ जी रुद्रांश बेटा, किस लाइट में मैक्सिमम ऑक्सीजन बबल्स निकल रहे हैं रुद्रांश? रेड रेड में मैक्सिमम निकल रहे हैं, इसका मतलब कि रेड में ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है कि ग्रीन में ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है? यस, रेड
रेड में फोटोसिंथेसिस, बिकॉज मोर द फोटोसिंथेसिस मोर द ऑक्सीजन बबल्स विल बी प्रोड्यूस्ड। वेरी गुड रुद्रांश, बैठो बेटा। सो ऑप्शन डी, इसका क्वेश्चन डी है कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन यू नो रेड लाइट। ठीक है जी। चलिए मैम, बस एक स्टूडेंट को खड़ा करके ये मुझे बताएं, कोई सा जो खुद बोलने वाला बच्चा है वो खड़ा हो जाए। और बेटा मुझे ये बताना है, कॉपी नीचे रख दो, कि आज आपने इस क्लास में, साइंस की क्लास में कुछ नया सीखा बेटा? यस और नो? रिवीजन हुई? वो तो है। जोर से थोड़ा सा अपना मास्क नीचे भी उतार लो 1 मिनट में बोलने के लिए। हाँ, कुछ नया सीखा आपने? मैम यस, क्या नया सीखा आपने? हाँ सर यस मैम क्या नया यस सीखा? व्हाट यू हैव लर्न्ड न्यू? दैट रेड लाइट हैज मोर एंड मोर फोटोसिंथेसिस यस, और क्या सीखा? मैम दैट रेड एंड ब्लू लाइट अब्सॉर्ब्स इट इज एंड डार्क मैक्सिमली एब्जॉर्ब। ठीक है, और नया क्या सीखा? दैट सनलाइट, कौन लाइट सी रेडिएशन हमारी अर्थ पे पहुंच रही है? यस, यू टेल मी। ऑल्सो रीचेस अर्थ, बिल्कुल ठीक है, राइट? एनीथिंग? यस, मैम आई हैव ऑल्सो लर्न अबाउट इंफ्रारेड वेव्स इंफ्रारेड वेव एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसी ने मुझे बताया नहीं, क्या होता है? डू यू रिमेम्बर दैट? एनीबडी हु रिमेम्बर्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? एनर्जी चेंजेस इनटू वन फॉर्म ऑफ एनर्जी चेंजेस इनटू अनदर फॉर्म एंड फोटोसिंथेसिस फेवर्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए जल्दी से, थैंक यू। एंड सब मुझे बताओ कि क्लास को एंजॉय किया आपने? यस और नो? रेज योर हैंड्स हु हैव एंजॉयड। जबरदस्ती नहीं, जिसको मजा आया वो करेंगे, ठीक है? और ये चैनल का नाम आपने नोट कर लेना है बेटा, और ये घर जाके आप देख सकते हो, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें ना जो बुक्स में नहीं है, ठीक है? के एडुकॉन, ई लर्निंग, ये बेटा YouTube पे चैनल है, ठीक है? YouTube पे चैनल है, वहां पे अपना वाला वीडियो देखना, क्लास 7 SD विद्या, और वहां पे आपने कोई चीज रिवाइज करनी हो यू कैन डू दैट। असाइनमेंट आपके पास है, टाइम मिले तो ये करके आना, एंड वी विल डिस्कस इट नेक्स्ट टाइम। इज इट ओके? ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू टीचर्स, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन मैम, थैंक यू। Morning, children. Just listen to me carefully. Better on day 5, no child will go out for the regular sports. You tell your sports teacher that we have to attend these classes. No child is allowed to leave the session and go out for water point or washroom. Clear? Bring your cardboards and blue gel pen along with you. And listen carefully and be prepared with the flip learning. All the questions they ask, they were all.